शातिर अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हुई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक गया को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि राजू यादव अपने गिरोह के साथ बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आया हुआ है। पुलिस अधीक्षक गया द्वारा मुफस्सिल थाना एवं तकनीकी शाखा को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना तथा तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा मानपुर रेलवे ओवर ब्रिज के समीप घेराबंदी की तथा सफेद रंग के स्कॉर्पियो में सवार अपराधी राजू यादव पिता शंकर यादव निवासी मानपुर कुर्मी टोला विशाल और काला पिता पप्पू मेहता निवासी मानपुर सुरदी टोला विकास कुमार पिता उपेंद्र मेहता निवासी मानपुर सुखी टोला दीपक कुमार और झोटा पिता राजकुमार गुप्ता निवासी मानपुर तेली टोला रोहित कुमार और टिमसी पिता कृष्णदेव पांडे निवासी जनकपुर सभी थाना मुसफ्फिर जिला गया को डकैती की योजना बनाते हुए हथियार एवं गांजा एवं ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों में कुख्यात राजू यादव से पूछताछ के आधार पर छापामारी की गई तो इसके साथ कई आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी कर्मी गौरव कुमार उर्फ चवन्नी उर्फ दीपक पिता राजेंद्र पंडित ग्राम मानपुर कुम्हार टोली थाना मुफस्सिल जिला गया को आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। राजू यादव ने ये भी बताया कि नंदू मियां सकीम पहानी थाना बुनियानगंज जिला गया की हत्या अपने साथियों के साथ बर्बरता से की थी एवं उसके लाश को बांधकर वजीरगंज थाना क्षेत्र के बीसीएस मोड़ के पास गौरक्षणी क्षेत्र में फेंक दिया गया। राजू यादव ने यह भी बताया कि कानून से बचने के लिए ये अलग अलग स्कूलों से फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर अपने आप को न्यायालय के सामने नाबालिग घोषित करता था ताकि वो जल्दी छूट जाए एवं अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देता रहे। इसी क्रम में राजू यादव विधि विरुद्ध बालक के रूप में परीक्षण गृह गया में निरुद्ध किया गया था। मई 2022 में अपनी फुफेरी बहन की झूठी शादी का आवेदन देकर पैरोल पर परीक्षण गृह से बाहर आया था। उसके बाद इसने कई गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया और फरार चल रहा था जिसे भी हिरासत में लिया गया है। गया पुलिस के द्वारा लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि गया जिला के टॉप 10 अपराध कर्मी राजू यादव अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मुफस्सिल थाना तथा तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देशित किया गया। इनके द्वारा इस मामले में सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत क्षेत्र में छापेमारी की गई तथा कुख्यात राजू यादव को उसके अन्य सहयोगियों के साथ चार अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार तथा ब्राउन शुगर एवं गांजा भी बरामद किया गया है। उससे अनंतर पूछताछ के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसका एक अन्य सहयोगी जिसका नाम चवन्नी है वो भी गौरव कुमार उर्फ चवन्नी उर्फ दीपक जो कि मानपुर कुम्हार टोली का है तो उसके यहाँ भी छापेमारी की गई और उसके पास से भी हथियार को बरामद किया गया है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 253/23 तथा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 254/23 दर्ज किया गया है। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली है कि राजू यादव एक कुख्यात अपराध कर्मी है जिसपे कई सारे कांड पूर्व से दर्ज है। उसने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने तथा रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से उसने अपने कई अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के फैजान नामक व्यक्ति की हत्या की थी और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस संबंध में कोतवाली थाना कांड संख्या 511/22 दर्ज किया गया था तथा उसमें पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके अलावा इसके द्वारा यह भी बताया गया कि इसके द्वारा बुनियादगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले नन्नू मियां को हत्या करके उसके द्वारा उसके लाश को रस्सियों से बांध करके वजीरगंज थाना क्षेत्र के भिंडस मोड़ के पास गौरक्षणी क्षेत्र में फेंक दिया गया था। यह जो अपराधकर्मी है इसके द्वारा बताया गया कि ये कानून से बचने के लिए ये
अपना अलग अलग स्कूल से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाता था और उससे वो अपने आप को जुवेनाइल साबित करने का प्रयास करता था, परंतु उसकी जब जांच की गई थी तो उसके प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था तथा उस पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का भी केस दर्ज किया गया था। पिछली बार जब यह जेल भेजा गया था तो इसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होम है उसमें उससे एक शादी में जाने के नाम पर वो वहां से निकला था और उसके बाद से वो लगातार गायब था तथा गया शहर में और मुफस्सिल थाना क्षेत्र, बुनियादगंज थाना क्षेत्र में ये लगातार कई सारी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा और उसको उसने अंजाम दिया था। इसके ऊपर कई सारे केस और पिछले लगभग 6-7 सालों से यह अपराध की दुनिया में लगातार क्रियाशील रहा है और मुख्य रूप से इसका पेशा जो जमीन पे अवैध कब्जा करना, रंगदारी वसूलना तथा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना है। इस प्रकार यह एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और उसमें शामिल कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से गया शहर में तथा गया शहर के आसपास का जो क्षेत्र है मुफस्सिल, बुनियादगंज इत्यादि और वजीरगंज का, उसमें आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आएगी और इनका जो बेल कैंसिलेशन है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तक इस मामले में जो 6 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है राजू यादव, विशाल उर्फ काला, विकास कुमार, दीपक कुमार उर्फ झोंटा, रोहित कुमार उर्फ टिमसी तथा गौरव कुमार उर्फ चवन्नी, तथा इनके पास से बरामद किया गया है 4 देसी पिस्टौल, 10 कारतूस, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, गांजा 1.7 किलो तथा मोबाइल 6 पीस इनके पास से बरामद किया गया है। इनके ऊपर कई सारे कांड हैं जिसमें से अभी तक जो प्राप्त जानकारी है राजू यादव के ऊपर जो अभी वर्तमान के केस के अलावा 18 केस पहले से दर्ज हैं, विशाल उर्फ काला के ऊपर 8 कांड पहले से दर्ज हैं और रोहित कुमार उर्फ टिमसी के ऊपर 5 कांड पहले से दर्ज हैं, गौरव कुमार उर्फ चवन्नी उर्फ दीपक के ऊपर 3 कांड पहले से दर्ज हैं तथा विकास कुमार के ऊपर 2 कांड पहले से दर्ज हैं और ये सभी जो कांड हैं काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं जो इसमें हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, फायरिंग इत्यादि और तथा रंगदारी वसूलने के संबंध में ये सभी कांड दर्ज किए गए हैं। इस पूरे गिरोह को पकड़ने में जिन पुलिस पदाधिकारियों की एवं कर्मियों की भूमिका रही है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है।